आपको पता ही नहीं है कि आप एक दिमाग लेवा बीमारी से ग्रस्त हैं। जान लेवा नहीं, लेकिन दिमाग लेवा। एक होता है सच, एक होता है झूठ, और तीसरा होता है स्टीरियोटाइप, यानी कि खास सोच में हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। वो सोच किसी इंसान के बारे में हो सकती है, किसी जाति के बारे में हो सकती है, किसी कल्चर को लेकर हो सकती है, जेंडर को लेकर हो सकती है। लेकिन जब उस सोच में हम खुद को कैद कर लेते हैं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसको कहते हैं दिमाग लेवा बीमारी। क्या आप स्टीरियोटाइपिंग के शिकार हैं? देखते हैं। वेजिटेरियंस की फेवरेट डिश कौन सी होती है? मेरे सवाल खत्म होने से पहले आपके दिमाग में जवाब आ गया, लेकिन लेट्स चेक आउट कि क्या हर वेजिटेरियन की फेवरेट डिश वही होती है जो आप सुन रहे हैं। हाय, आर यू अ वेजिटेरियन? यस। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? राजमा। राजमा? या नॉट पनीर? नॉट एट ऑल, नॉट पनीर। अब इस वक्त आपके स्क्रीन पे तीन लड़कियां हैं, मैं और ये दोनों। आपको बताना है हम तीनों में से सबसे ज्यादा शरीफ कौन है। मैं पहले ही बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में से कोई आपको शरीफ नजर नहीं आ रही। इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। शक्ल देख के, किसी की इमेज देख के आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इनमें से कोई शरीफ नहीं है? बात कीजिए, वक्त गुजारिए, उस इंसान को जानिए, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। उसके बगैर अगर पहुंचे तो इसका मतलब आपको स्टीरियोटाइपिंग की बड़ी बुरी बीमारी है। एक्सक्यूज मी, एक सिचुएशन है। राहुल और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों का ब्रेकअप हो गया। आपको क्या लगता है, राहुल ने नेहा को डिच किया होगा या नेहा ने राहुल को? Obviously, नेहा ने राहुल को डिच किया होगा। आपको क्या लगता है? I feel राहुल ने नेहा को डिच किया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। It's the girl who does this. No, everybody knows that guys ही हमेशा चीट करते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी राहुल और नेहा से नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ओपिनियन फॉर्म कर लिया है कि लड़के ही चीट करते हैं या लड़कियां ही चीट करते हैं। दोनों स्टीरियोटाइपिंग के बहुत बड़े शिकार हैं। हाय, हेलो। आपका यो यो हनी सिंह का फेवरेट ट्रैक कौन सा है? What makes you think I like यो यो हनी सिंह? You don't? Not really, I'm more of a rocks fan. John Bon Jovi? Yes, any day. हर जर्नलिस्ट कुर्ता जीन्स और झोला नहीं पहनता, हर बंगाली मच्छी नहीं खाता, मुस्लिम्स भी कद्दू खाते हैं, पंजाबियों को राजमा चावल खाना कंपलसरी नहीं होता, और मेरा नाम अगर साइमा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है यार। जब आप इतने खूबसूरत इंसान के साथ बैठे हों तो शेर व शायरी अपने आप हो जाती है। अब अजीब है कि एक लड़की दूसरी लड़की पे शेर मारने वाली है, लेकिन मारने तो वाली है। तो ये आपके लिए है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अरे वाह। अच्छा, सवाल ये है कि ये शेर है किसका? ऑप्शंस हैं ए अब्बास ताबिश या फिर बी आलोक श्रीवास्तव। अब्बास ताबिश। अब्बास ताबिश क्यों? शेर सुनते हैं तो नाम भी रिलेट हो जाता है, लग रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर उर्दू का शेर एक मुस्लिम राइटर नहीं लिखता। ये शेर आलोक श्रीवास्तव का है और आप स्टीरियोटाइपिंग की बीमारी से ग्रस्त हैं। ओके, बहुत टिपिकल सिचुएशन है, और दिल पे हाथ रख के सही जवाब दीजिएगा। आपके घर में आपके पर्स से पैसे गायब हो जाए, आपका पहला शक किस पे जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं काम वाली बाई या फिर आपका अपना बेटा। मैं जानती हूँ आपने किस ऑप्शन पे टिक किया है, लेकिन सोच के देखिए, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और अगर आपने ऐसा सोचा तो बहुत ज़रूरत है इस ज़हनियत से बाहर आने की, क्योंकि पैसे कोई भी चुरा सकता है। जब तक आप अपनी आँख से ना देख लें तो सोचिएगा मत। कोई ऐसे भी सोच सकता है, स्टीरियोटाइप करने से, बायस्ड होने से, एक धर्रे पे एक इंसान को जज करने से क्या नुकसान है? सर, नुकसान दूसरे इंसान से ज़्यादा अपना है। हमें दिमाग लिवा बीमारी हो चुकी है अगर हम स्टीरियोटाइपिंग करने लगे। ना हम आगे बढ़ पाएंगे अपनी सोच में, ना हम दूसरे इंसान से कभी प्यार कर पाएंगे। हमेशा ये सोचते रहेंगे हम ऊँचे हैं, दूसरा नीचे है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हम कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तो आज़ाद कीजिए खुद को स्टीरियोटाइपिंग की बीमारी से।